हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्मृति। स्मृति सोम किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं खीरे की सब्जी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। खीरे की सब्जी बनाने के लिए मैंने खीरा ले लिया है, उसको हम ऐसे कट कर देंगे। आप देखिए मैंने कैसे स्लाइस में कट कर रहा हूँ, ऐसे लंबा लंबा मैट से कट कर देंगे। थोड़ा सा पतला रखेंगे और एक को हम ऐसे पील कर देंगे। तो आधा हमारा व्हाइट रहेगा और आधा थोड़ा सा ग्रीन रहेगा छिलका के साथ। तो सब कुकुम्बर को मैंने कट करके रेडी कर देंगे। ये देखिए ऐसे। हम सब कुकुम्बर को कट करके रेडी कर दिया है। अब हम लेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। सरसों का तेल से बनाएं, ये बहुत अच्छा लगता है और टेस्ट भी उसका बहुत अच्छा आता है। उसमें डालेंगे थोड़ा सा राई और थोड़ा सा जीरा। हमारा राई और जीरा चटकने लगा है। अब डालेंगे थोड़ा सा चना दाल, इसको अच्छे से भून लेंगे। अब हम डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च और करी पत्ता, इसको हम डाल देंगे। इसमें प्याज और लहसुन का कुछ ज़रूरत ही नहीं है, ये बिना प्याज लहसुन के बनता है और बहुत अच्छा लगता है। अब हम डालेंगे इसमें खीरा, सब खीरे को हम डाल देंगे। इसको हम मिक्स कर देंगे। एक बार इस टाइप का बनाए बहुत अच्छा और टेस्ट लगता है और हेल्दी भी है। अब हम डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। हम सब चीज़ को मिक्स कर देंगे। इसको हम कवर लगा के 2 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। साथ में हम एक स्पून मैंने तिल लिया है, तिल को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। दो मिनट के लिए इसको कवर लगा के कुक कर लेंगे और साइड में हम तिल को अच्छे से कूट के उसका पाउडर बना देंगे। अब देख रहे हैं हमारा कुकुम्बर जो है पक गया है। अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसको करेंगे सर्व। हमारा कुकुम्बर का सब्जी रेडी हो गया है। ऊपर से डालेंगे हम इसके ऊपर जो हम तिल को कूट के रखे थे, देखिए ऐसे डाल देंगे। इसके वजह से बहुत अच्छा खुशबू भी आता है और टेस्ट भी उसका बहुत अच्छा आता है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए और प्लीज़ कमेंट बताएं आपको कैसा लगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।